Hello everybody, welcome at Abhimanu IAS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. मेरा नाम Dr. H S Sidhu है. मैं अभिमन्यु IAS में Indian Economy and International Relations teach करता हूँ. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IAS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-24. This will be a one-year program which will be available through offline and online mode. If you want to join, you may click on the link given in the description. We are providing 7 days free trial class also. And similarly, if you want to join exclusively the Indian Economy module, you can do so also by clicking on the link given in the description. So, अभी अभिमन्यु IAS में हमने एक concept series start की है, जिसके अंदर हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो विच आर कंसिडर्ड रेलिवेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस उनको डिस्कस करते हैं. तो आज जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है दैट इज़ रिलेटेड विद द इंडियन इकोनॉमी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ DSII. DSII क्या है? दिस इज़ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर. सो ये एक टॉपिक है. आई एम वेरी मच श्योर कि आजकल आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है बिकॉज द प्रिलिमिनरी इज़ ड्राइंग नियर. सो यू मस्ट बी ऑफुली बिजी इन योर प्रेपरेशंस एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट ऑनेस्टली टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फ्रॉम आवर एंड विच एवर इज़ पॉसिबल to support you in your preparation. So ये जो टॉपिक जो आज मैंने सिलेक्ट किया है ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स की जो बात करते हैं हम, क्योंकि इंश्योरेंस है जो वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है. क्योंकि जो कॉमर्स है, कॉमर्स इज़ देयर टू रिमूव द हिंड्रेंसेस इन द बिजनेस एंड वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस इन द बिजनेस दैट इज़ द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस एक्टिविटी. सो देयरफॉर उस रिस्क को इंश्योर करने के लिए जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया, इंश्योरेंस की सर्विस स्टार्ट हुई. So in that background we can say that there are some insurance companies which are so important in terms of their size, in terms of the volume of business or in terms of their domestic and global presence. अगर उनकी financial health थोड़ी deteriorate होती है तो that will have a great impact on the domestic financial market. तो therefore गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू आइडेंटिफाई सच इंश्योरेंस कंपनीज विच आर ऑफ सच ए सिग्निफिकेंट साइज़ के वो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से और उनका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की वजह से वो हमारी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके. तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे इंश्योरर्स को आइडेंटिफाई करे और उन इंश्योरर्स के लिए या उन इंश्योरर्स के ऊपर जो सुपरविजन्स है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट सुपरविज़न होनी चाहिए सो दैट वो कहीं पर अपनी जो मैनेजमेंट है, अपनी जो एफिशिएंसी है, अपनी जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसके साथ वो कहीं पर कंप्रोमाइज़ ना कर जाएं. बिकॉज अगर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सच टाइप ऑफ इंश्योरर्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, दोज आर नोन एज द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स. और ये जो आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, दिस इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको आइडेंटिफाई करती है. तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि DSII डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, ये टर्म है ये अपने आप में क्या है. डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स आर लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज, can say that have been recognized so by Insurance Regulatory Development Authority of India. तो पहला important point आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि domestic systematically important insurers क्या हैं. These are the large insurance companies. So this is a very much important point. And दूसरा point है कि कौन इनको रिकॉग्नाइज करता है एज DSII. इट इज़ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर वहाँ RBI लिखते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग. अगर वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखते हैं दैट विल बी रॉन्ग. अगर वहाँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दैट विल बी रॉन्ग. तो हु रिकॉग्नाइजेस ए कंपनी एज Domestic Systematically Important Insurer, that is the IRDAI. This is the correct answer. Please bear this in mind. Next है the size, market importance and domestic and global presence of such companies are so huge. इन companies का size देखते हैं, market importance देखते हैं, इनकी domestic and global presence देखते हैं, वो इतनी बड़ी होती है that their failure or distress may have a significant impact on the domestic financial system. अगर ऐसी कंपनी फेल होती है या अगर ऐसी कंपनी स्ट्रेस में आती है तो that will lead to affect deeply the domestic financial system of the country. These companies are also known as too big to fail. इनको हम TBTF कहते हैं, टू बिग टू फेल. मीन्स ये कंपनीज इतनी इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर मार्केट साइज, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, कि इनकी फेल्योर हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है हमारी इकोनॉमी. अगर इनकी फेल्योर होती है तो दैट विल हैव ए, यू कैन से, अनप्रेसिडेंट इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम. तो दैट इज़ वाई इनको हम टू बिग टू फेल कंपनीज कहते हैं. स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी एंड कॉन्टीन्यूड फंक्शनिंग ऑफ दीज कंपनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन द नेशनल इकोनॉमी. तो ऐसी बड़ी कंपनी की स्ट्रेंथ, इनकी लिक्विडिटी एंड इनकी जो कॉन्टीन्यूड फंक्शनिंग है that is considered very much important for the uninterrupted availability of insurance services in the national economy. So ये है eligibility of a company to be classified as a domestic systematically important insurer. तो किसी company की eligibility क्या होनी चाहिए कि हम उसको एक domestic systematically important insurer की category में रख सकते हैं. तो पहले तो ये है कि अब तक जो हमारे कंट्री के अंदर LIC, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी आर द कंपनीज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज DSIIs बाय द IRDAI. सो ये पहली, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि इट मीन्स द life insurance companies as well as the general insurance companies can be categorized as a domestic systematically important insurers. Okay? So it means ये जो DSII है, it can be the life insurance company or it can be the general insurance company as well. So this is important to bear in mind. The classification is done on the basis of the criteria or parameters, which is the parameter. One is the size of operations in terms of their revenue. हम देखते हैं कि उनका size of operation क्या है. Size of operation हम revenue के basis पे देखते हैं कि उनका revenue कितना है. One is that, so large revenue वाली जो companies हैं उनको हम DSII के तौर पर recognize करते हैं. Then global activities across more than one jurisdiction. उनकी global activities means एक से ज़्यादा countries में उनकी जो jurisdiction होनी चाहिए, means presence होनी चाहिए. So that is the point there. तो ये हम देखते हैं. And the next is what happens when an insurer is declared as a DSII. जब हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी इंश्योरर को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कंसिक्वेंस क्या होता है. दे कम अंडर मोर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सुपरविज़न. तो उनके ऊपर जो सुपरविज़न है वो बढ़ा दी जाती है सो दैट वो कहीं पर फाउल प्ले ना कर जाएं. अगर वो फाउल प्ले कर जाते हैं तो दैट विल नॉट बी अफोर्डेबल बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल कंपनीज. दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व ए ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस. उनको ये कहा जाता है कि दे नीड टू ऑब्जर्व द ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस. ओके, सो वो बहुत सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, बहुत प्रोफेशनल तरीके से. रेजिंग द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल रेज करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ. आइडेंटिफिकेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ वेरियस रेलिवेंट रिस्क्स. बहुत केयरफुली जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उन रिस्क की मैनेजमेंट करें. एंड अडॉप्शन ऑफ ए साउंड मैनेजमेंट कल्चर, वो एक साउंड मैनेजमेंट कल्चर अडॉप्ट करें. सो ये एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर है जो जब वो रिकॉग्नाइज हो जाती है कोई भी कंपनी एज DSII तो उनकी लिए ये यू कैन से कुछ कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर कि दे मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दीज कंडीशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ.